सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जीरोडॉल एसपी टैबलेट के यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जीरोडॉल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में किया जाता है, कैसे इसका उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, कब कब खाना होता है इस टैबलेट को, और इस टैबलेट के देने के बाद लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टैबलेट के क्या मैकेनिज्म होते हैं, कि हमारे बॉडी पे यह टैबलेट कैसे इफेक्टिव होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ जीरोडॉल एसपी टैबलेट। इसके फार्माकोलॉजी के बारे में जानते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मेन कंपोजिशंस पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार, जैसे कि एसिक्लोफेनेक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एसिक्लोफेनेक पाया जाता है, वो कितने के स्ट्रेंथ में, तो आपको 100 mg के स्ट्रेंथ में इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें पैरासीटामोल भी पाया जाता है। पैरासीटामोल वो कितने के स्ट्रेंथ में, वो आपको 325 mg के स्ट्रेंथ में इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सीरोटी पेप्टिडेज इसमें पाया जाता है, जो कि 15 mg के स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एसिक्लोफेनेक एक NSAID मेडिसिन, NSAID ड्रग के कैटेगरी में आता है। साथ ही पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है, और सीरोटी पेप्टिडेज जो कि सूजन को कम करने का काम करती है, ठीक है। ये NSAID ड्रग के कैटेगरी में आता है। NSAID मतलब क्या होता है? नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। साथ ही अगर इसमें अगर पैरासीटामोल भी पाया जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये एक प्रकार का NSAID यानी एक प्रकार का एनाल्जेसिक के साथ साथ यह एक प्रकार का एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी हो जाती है, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यह क्या करता है? जो प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को ब्लॉक करने का काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूडिंग पेन एंड इन्फ्लामेशन, जो कि क्या करता है? जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, यानी किसी भी जगह पर पेन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है? वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, तो उसके इफेक्ट को रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो यूजेस ऑफ जीरोडॉल एसपी टैबलेट, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल होता है हेडेक यानी सिर दर्द के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को वो ले सकता है, ठीक है। अगर दांत का दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ले सकते हैं, ठीक है। मसल्स पेन हो रहा है बॉडी में, कहीं भी अगर मसल्स पेन हो रहा है, ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, मांसपेशियों में ऐठन जैसी समस्या हो रही है, तो ये टेबलेट लेने के बाद उस पर रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स यानी किसी भी जोड़ वाले जगह पे, ठीक है, जॉइंट में अगर सूजन की समस्या हो जाती है, ठीक है, अगर वहाँ अगर दर्द की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। घुटनों के दर्द में ले सकते हैं, साथ ही दर्द और सूजन में यह क्या करता है? राहत देने का काम करता है, ठीक है। फीवर, किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर की समस्या भी हो रही है तो फीवर के कंडीशन में भी इस टेबलेट को दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी ऑपरेटिव पेन क्या हो जाता है, यानी सर्जरी के बाद या फिर सर्जरी से पहले होने वाले दर्द में यह टेबलेट बहुत ही अच्छे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो यह उसे ठीक करने का काम करेगी, उसे रिलीफ देने का काम करेगी। तो कुछ इसके यूजेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये साइड इफेक्ट हालांकि जो कॉमन होते हैं या जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए जैसे कि नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इनडाइजेशन के साथ साथ स्टमक पेन भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसके डोजेस के बारे में जानते हैं कि कितनी मात्रा में इस टेबलेट को ले सकते हैं। सो डोजेस ऑफ जीरोडॉल एसपी टैबलेट, इसका जो डोज होता है आप 2 टैबलेट्स बीडी यूज कर सकते हैं, यानी दिन में 2 टैबलेट यूज कर सकते हैं, और कितनी बार, तो दिन में 2 बार तक इसका यूज कर सकते हैं, यानी सुबह शाम ले सकते हैं। इसी प्रकार के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल को।